ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 6 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 34 35 और 36। तो हम इसमें है 34 35, तो हम 35 को बोलते हैं। वैसे तो पूरा ले सकते हैं, नीचे सब आ सकता है। 33 34। ठीक है, हम दो श्लोक हम बोल देते हैं, तीसरे की पुनरावृत्ति करेंगे लास्ट की 36 की। सर्वे पद्य पलाक्षाक्षा पीतकौशेय वाससः किरीटिनः कुण्डिलनो लसत पुष्करमालिनः सर्वे च नूतन वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजा धनु निसंगास्य गदा शंख चक्राम्बुजश्रिय दिशो विदिति मिरालोका कुर्वन्तः स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरानो निषेधथ। तो एक तीनों ही है ना, तो एक एक श्लोक बोलेंगे, एक पहला, फिर दूसरा नेक्स्ट बोलेगा, तीसरा, ऐसे तीनों ही बोल जाएंगे। शब्दार्थ सर्वे, आप सभी, पद्य पलास अक्षाह, कमल के फूल की पंखड़ियों जैसी आँखों वाले, पीता पीला, कौशेया रेशमी, वायसः वस्त्र पहने हुए, किरीटिनः मुकुट पहने, कुंडलिनः कान के कुंडल पहने, लसत चमचमाते, पुष्कर मालिना कमल की माला पहने, सर्वे आप सभी, च भी नूतन वयस अत्यंत तरुण, सर्वे आप सभी, चारु अत्यंत सुंदर,
चतुर्भुजाः, चार भुजाओं वाले धनु, धनुष, निसंगा, तरकस, असी, तलवार, गदा, गदा, शंखचक्र, शंखचक्र, अंबुजा, कमल का फूल, श्रिया, से सुशोभित, दिशा, सारी दिशाएं, वित्ते मेरा, अंधकार रहित, आलोका, असामान्य प्रकाश, कुर्वंता, प्रकट करते हुए, स्वेना, अपने, तेजसा, तेज से, किम अर्थम, क्या प्रयोजन है, धर्मपालस्य, धर्म के पालन करता यमराज के, किंकरान, सेवकों को, न हम निषेधथ, मना कर रहे हो। अनुवाद हो तात्पर्य अवेचणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखड़ियों के समान हैं, पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नवयौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार भुजाएं, आप सभी की चार लंबी भुजाएं, धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत हैं, कमल के फूलों से अलंकृत हैं, मालाओं से। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, तो महोदय आप हमें क्यों रोक रहे हो? ये कौन बोल रहा है? यमदूत बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? विष्णु दूतों को बोल रहे हैं। दोनों में ये अंतर है, दोनों ही दूत हैं, लेकिन एक की चेतना महा उत्कृष्ट है और यमदूतों की चेतना बहुत निकृष्ट है। तात्पर्य, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। अतः यमदूतों ने पहले पहल विष्णु दूतों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अपनी शारीरिक बनावट से तुम लोग अतीव भद्र पुरुष प्रतीत होते हो और तुम में ऐसी स्वर्गीय शक्ति है कि तुमने अपने तेज से इस भौतिक जगत का अंधकार मिटा दिया है, तो फिर आप हमें अपना कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आगे यह बतलाया जाएगा कि यमदूतों ने गलती से अजामिल को पापी मान लिया था। उन्हें यह ज्ञात न था कि यद्यपि वह अपने सारे जीवन भर पापी रहा, किंतु नारायण के पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करते रहने से वह शुद्ध हो चुका था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई स्वयं वैष्णव न हो, वह दूसरे वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। इस श्लोक में वैकुंठ लोक के निवासियों की वेशभूषा तथा शारीरिक बनावट का सही सही वर्णन हुआ है। वैकुंठ के निवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। उनकी चार भुजाएं होती हैं जिनमें वे विभिन्न शस्त्र धारण किए रहते हैं। इस तरह वे भगवान विष्णु से अत्यधिक सादृश्य रखते हैं।
उनकी शारीरिक बनावट स्वरूप नारायण जैसा ही होता है, क्योंकि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई रहती है, किंतु फिर भी वे सेवकों का कार्य करते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण अथवा कृष्ण हैं और वे सब उन्हीं के सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्मा हैं जो कि नित्य मुक्त हैं। यद्यपि वे अपने को प्रामाणिक रूप से नारायण या विष्णु घोषित कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करते। वे सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं और अतीव श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। वैकुंठ लोक का वातावरण ऐसा है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना सीख जाता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशपान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भूतैर्महद्भिः यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष पुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकं सोलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। सोलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, हम सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं जिससे आप थोड़ी सी कृपा करेंगे तो हम
श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ बोलने का दुस्साहस करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी अजामिल के सामने यमदूत और विष्णुदूत दोनों ही उपस्थित हैं। आप सभी प्रसंग सुन चुके हैं कि जब अजामिल जो पहले से बहुत पापाचार किया था तो उसका जन्म तो एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कुसंगति के कारण, और उसका क्या हुआ था, उस ब्राह्मण से पतन हुआ और फिर वो बहुत एक पापाचार में लिप्त हो गया। अपने ब्राह्मण के जो कर्तव्य थे उसको परित्याग करके पापाचार में प्रवृत्त हुआ, और इतना वो पापाचार किया उसको मेंशन आता है कि जो चित्रगुप्त थे उन्होंने उनके पापों की जो लेखा जोखा रहता है, जिसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वो रजिस्टर मेंटेन करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पापों से 28 बड़े बड़े गोडाउन, कितने 28 बड़े बड़े गोडाउन ऑलरेडी पहले से फुल हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अब गोडाउन में लॉक लगा करके बस उसकी फाइल बंद कर दी थी, और ये निर्धारित हो चुका था कि अब उसको कहाँ जाना है, नरक में जाना है। इसलिए सब निश्चिंत थे, उसका तो फाइनल है, जैसे किसी का फाइनल हो जाता है, पहले से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो निश्चित हो जाता है वो। तो ऐसे यमदूत भी निश्चित थे कि ए अब तो कहाँ जाना है इसको, नरक में जाना ही होगा। लेकिन होनी हो तो बलवान है, पूर्वाभ्यासेन तेनेव हिनतो ही अवसहसह, अर्थात चूंकि पूर्व में कुछ अभ्यास ऐसा बन जाता है, या इस जीवन में कुछ संतों की या भगवत भक्तों की कुछ कृपा हो जाए, तो उसका जो जीवन है वो वहाँ फिर परिवर्तित हो सकता है। और वो ही हुआ, अजामिल के जब अंतिम समय आया तो उस समय जो है उसको लेने के लिए जब यमराज के दूत आए, तो चूंकि उसका मन लगा हुआ था बच्चे के अंदर अपना, जो उसका जो सबसे लास्ट का बच्चा था जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा था, इसलिए बच्चे में उनका मन था। और वास्तविकता ये ही है कि जिसका प्रारंभ से ही जिसमें मन रहता है अंत समय में वो ही मन में आता है, तो इसलिए बच्चा उसको बहुत प्रिय था और बच्चे को पुकारता भी रहता था। ये अच्छी बात है कि कभी कभी वो बच्चे, मतलब हम लोग भी जैसे कभी बच्चों में आसक्त होते, तो उनका नाम मान लीजिए कोई राघव है तो हम राघव नहीं बोलेंगे, कभी कभी ऐसा उल्ट पटांग मतलब बच्चों का नाम रख लेते हैं, है कि नहीं है। लेकिन उसका सौभाग्य ये था कि वो नारायण को नारायण ही बोलता था, होता है कि नहीं होता है, कभी कभी नाम तो बहुत अच्छा है, कमल लोचन है लेकिन उसको कल्लू बोल रहे हैं, अब कल्लू और कमल लोचन कहाँ कितना अंतर आ गया उसमें। लेकिन यहाँ जो है इसका ये सौभाग्य था कि उसने बच्चे का नाम जैसा था वैसा ही वो पुकारता था, तो नारायण नारायण। तो इसलिए अंत समय में जब उसको यमराज के दर्शन दिखाई दिए तो उसने किसको पुकारा, नारायण को पुकारा, अपने बच्चे को पुकारा। लेकिन अंते या स्मृति, अंते नारायण स्मृति, मतलब अंते या मति तागति, तो इसलिए उन्होंने नारायण को पुकारा। तो इससे वो हुआ ये था कि हालांकि पुकार रहा है अपने बच्चे को, लेकिन भगवान के चार पार्षद नारायण, तो भगवान के चार पार्षद क्या हुए, वहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, उपस्थिति नहीं हो गए, रोक दिया उनको, उनके जो है क्या नाम है, जो फांसा और जो दंड रहता है उनको काट पीट करके फेंक दिए, और उसी समय उनको रोक दिए तलवार लगा करके, आप इनको नहीं ले जा सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ झगड़ा हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, एक मध्यस्थ बने रहे, तटस्थ बने रहते हैं,
लेकिन तट तटस्थ नहीं बने, इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, एक्शन लिया और उनको क्या किया, स्टॉप किया, बोलो रुको। तो उस समय जब रोक दिए हैं तो उस समय का ये वार्तालाप हो रहा है। तो जब रोक दिए हैं तो विष्णु दूतों को यमराज के दूत बड़े गौर से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यमराज के दूतों ने विष्णु दूतों को पहली बार ही देखा है। ये भी यम क्या नाम यमदूतों का सौभाग्य ही कहा जाएगा, है कि नहीं। किसी को मान लीजिए कोई पापी भी है लेकिन उसको संतों के दर्शन हो भी जाते हैं, हालांकि उनके प्रति श्रद्धा न हो लेकिन संतों के वो दर्शन कर लेता है तो उसका फल उसको मिलता ही है। तो यही हुआ था जो है, यमराज के दूत विष्णु दूतों को देख करके पहले उनके शरीर की बनावट का वर्णन कर रहे हैं, कैसा उनका शरीर है, कितना सुंदर है, क्या क्या पहने हुए हैं, तो उस चीज का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो जो भी भगवान के धाम को प्राय प्राप्त होता है उनको लगभग ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि सर्वे पद्य पलाश अक्षा, तो सर्वे पद्य पलाश अक्षा, अर्थात यमदूत बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के दूत कैसे हैं, सर्वे मतलब चारों के चारों, पद्य पलाश अक्षा अर्थात कमल की पंखुड़ी के समान उनकी अच्छा अच्छा मतलब आंखें हैं, इसलिए बहुवचन में तो अच्छा है, मतलब उनकी सभी की आंखें कैसी हैं, चारों की चारों ये है, हाँ लोटस आई है, कमल के फूल जो होता है उसकी जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी के समान उनकी जो है बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं, है हमारी जैसी नहीं, बटन जैसी छोटी सी लेकिन भगवान के जो है, जो भी भगवत धाम को प्राप्त होता है उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं कभी कभी, लेकिन इनकी आंखें कैसी हैं, अट्रैक्ट करने वाली हैं, बहुत आकर्षण है, आंखों को देखता है बस आंखों का ही हो जाता है वो। तो इसलिए और पीत कौशेय वाससः, उनके वासस कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, तो पीत कौशेय, पीत कौशेय का मतलब पीले हैं और रेशमी हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए, और क्या है, हाँ पीत कौशेय वासस और वासस मतलब पहने हुए हैं, तो वस्त्र कैसे पहने हैं उनके, पीत पीले हैं रेशमी हैं, ऐसे वो वस्त्र धारण किए हुए हैं, और है क्रीट, क्रीट का मतलब मुकुट धारण किए हुए हैं, सभी के सभी मुकुट पहने हुए हैं, और कुंडलन कान में कुंडलन हैं जो कैसे हैं, लसत चमचमाते हैं, चमचमा रहे हैं, मुकुट भी चमचमा रहा है उनका, कुंडल भी चमचमा रहे हैं। कभी कभी हम मंदिरों में देखते हैं कि भगवान के जो है, भगवान में तो चलो है चेहरे पर को स्नान नहीं कराते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन उनके कुंडल मुकुट भी आप देखेंगे बिल्कुल काला पीला पड़ा रहते हैं, बहुत से मंदिरों में दिखाई देते हैं, होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब वो लोग ठीक से शास्त्र जो पूजा कर रहे हैं ना, वो ठीक से शास्त्रों को पढ़ते नहीं, नहीं तो भगवान की जो है शास्त्र पढ़ेगा तो भगवान की सेवा ठीक से करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं भगवान के, जैसे हमारे मंदिर में देखो कितनी सुंदर सेवा होती है, चमचमाते रहते हैं, तो ऐसे ही उनका भी जो है भगवान के कुंडल भी और क्रीट भी क्या है, लसत चमचमा रहे हैं, और पुष्कर मालिन और फूलों की वो क्या पहने हुए हैं, माला धारण किए हुए, भगवान हमेशा वैजयंती माला धारण करते हैं जो पांच प्रकार के फूलों से बनती है, पुष्कर मालिन है, और क्या है, सर्वे च नूतन वयस, सभी की अवस्था कैसी है, नूतन है, युवा अवस्था है, अभी लगभग युवा का मतलब होता है 14-15 साल की युवा अवस्था है, यहाँ जो है लोगों को 33-35 साल तक जॉब नहीं मिलता है, भगवत धाम में 14 साल वहाँ तक कितनी अवस्था से जॉब मिल जाता है, तो सभी की नूतन अवस्था है, नूतन अवस्था देखने में भी सुंदर लगते हैं, या कुछ काम, हालांकि उनका काम जो है उनको रोकना फटकारना था, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति फटकार भी मारे तो वो भी
प्रशंसनीय, थोड़ा अच्छा लगता है। और कोई थर्ड क्लास का व्यक्ति उसको गाली गलौज कर दे, यहाँ तक कोई थर्ड क्लास का व्यक्ति किसी को माला भी डाले ना, तो भी ऐसे लगता रहे कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए था। लगता है कि नहीं लगता है, मालूम नहीं आप लोगों को, लेकिन हम तो कभी कभी महसूस कर जाते हैं, होता है ना, कभी माला भी डाला किसी सभा के अंदर तो देखते हैं कि वो व्यक्ति डाले, वो देखने में सुंदर, थोड़ा अच्छा पोजीशन लगता है, तो वो भी प्रशंसनीय माना जाता है। तो यहाँ भगवान के जो पार्षद हैं वो कैसे हैं, सर्वे नूतन वयस है, सभी की अवस्था कैसी है, 14-15 साल की अवस्था, और सर्वे चारु चतुर्भुजा, सब कैसे हैं, चतुर्भुजा, चार चार भुजा हैं, और कैसी हैं चारु, वो भुजा भी कैसी है उनके, बहुत सुंदर है, भगवान की भुजा भी अति सुंदर है, चारों की चारों लंबी लंबी भुजा हैं, देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं, चतुर्भुजा। और धनुष, क्या क्या अस्त्र उन भुजाओं में, क्या क्या अस्त्र धारण किए हुए हैं, तो धनु मतलब धनुष, निसंग तरकस और असी तलवार, और गदा, शंख, चक्र, अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल का फूल, चार जो है ए अस्त्र भी धारण किए हुए चारों में, शंख, चक्र, गदा और पद्म, अम्बुज। श्री, इससे वो क्या है, सुशोभित हो रहे हैं, ये सारा उनका जो श्रृंगार है इसको लगता है देखने में कि वास्तव में बहुत सुंदर वो लग रहे हैं। दिशौ तिमिर आलोक कुर्वंत स्वेन तेजसा, तो स्वेन तेजसा अपने तेज से, अर्थात तो उनके शरीर से ही तेज निकल रहा है, कोई कैंडल लेकर के या लाइटर लेके या बिजली लेकर के नहीं चल रहे, उनके शरीर से क्या निकल रहा है, स्वतेजसा, बहुत तेज निकल रहा है, शाइनिंग, जो बाहर भी है उनके ऊपर तो शाइनिंग है ही है, लेकिन ये शाइनिंग फ्लो हो रही है, बाहर भी हो रही है, इसलिए बाहर का जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि दिशाओं तिमिर आलोक, सभी दिशाओं का जो आलोक है, तिमिर अंधकार है, वो क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, कैसे, कुर्वंत स्वेन तेजसा, अपने शरीर के तेज से उन्होंने अंधकार को खत्म कर दिया, इतना उनके शरीर से तेज चमचमा रहा है, निकल रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है। और तो अब वो जो है, ये सब तो उनकी सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन उनको एक आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य क्या है कि इतने अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, लगते हैं किसी अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे परिवार से लगते हैं, सज्जन परिवार से लगते हैं, लेकिन इतने अच्छे परिवार के लोग होकर के भी इनके कार्य क्यों खराब हैं, उनको आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि उनके अंदर एक दोष देखा जा रहा है, क्या दोष है कि किम अर्थम धर्म पालस्य, जो धर्म पालक हैं यमराज हैं, तो किंकरानो निषेध, अर्थात तो उनके किंकरों को, उनके सेवकों को, यमराज के सेवकों को क्यों ये लोग फोर्सली रोक रहे हैं किसी पापी जीवात्मा को उनके लोक ले जाने से, उनको ये बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे भाई, अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, कोई अपराध कर रहा है तो उसको भी चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसको पनिशमेंट दे, तो प्रशंसा लोग करते हैं, अच्छा किया, ये बहुत जो है उपद्रव करता है, इसको थोड़ा मिलना ही चाहिए था, होता है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे आतंकवादियों को कोई बढ़ावा दे तो फिर क्या लोग, हम कोई प्रशंसा करता है उनको, दुष्ट ही प्रशंसा करते हैं, सज्जन लोग उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर उनको इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि हालांकि ये सभी जो है बहुत अच्छे किसी परिवार से, अच्छे किसी उसके जो है दूत लगते हैं, सेवक लगते हैं, लेकिन इनके कार्य इतने बुरे क्यों हैं कि जो एक पापी जीवात्मा को जो है जबरदस्ती रोक रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, हालांकि भगवत पार्षद हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत कुछ बात मेंशन की है, तो पहली बात तो उन्होंने बताई है
कि हालांकि विष्णु दूत यमराज के दूतों के सामने खड़े हुए हैं, खूब देख रहे हैं अच्छी तरह से गौर से, लेकिन उनको ये पहचान नहीं पाए हैं कि ये कौन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है कि जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णवों की पहचान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। एक कहावत बोलते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी क्या बोल रहा है पक्षी फट सुनाई जान लेता है वो क्या बोलना चाहता है। तो ऐसे ही हालांकि आमने सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी उनको ये आइडिया नहीं आ रहा है कि भला ऐसे व्यक्ति भी कोई हो सकते हैं, और हैं तो ये फिर है कौन। लोग कहते हैं जी आप भगवान को दिखा सकते हो, अबे भाई भगवान को क्या, उनके भक्तों को देख रहा है लेकिन यमराज के दूत, लेकिन उनको नहीं पहचान पा रहा है। और हम लोग भगवान की बात करते हैं कि हमको भगवान को दिखा सकते हो, मान लीजिए भगवान आ भी जाए, क्या दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा था? देखा तो था ना, भगवान जो है कृष्ण दुर्योधन के सामने रहते, तो देखा ही नहीं था, उसको बार बार भी बताया था, पिता में भीष्म ने बताया था कि एक बार जो है सुमेरु पर्वत पर ये इष्टि गोष्ठी हुई थी सभी देवताओं में मिलकर के, और जो है वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था, क्योंकि देवताओं ने कंप्लेन की थी भगवान से कि प्रभु जब तक आप प्रकट नहीं होंगे इस समय जो पृथ्वी पर इतना दुष्टों के कारण राजाओं के कारण अत्याचार हो रहा है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ये अत्याचार रुक नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान वहाँ प्रकट होकर के उनको आश्वासन दिए थे कि मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूँ। तो इसलिए ये बात पिता में भीष्म ने जो है कई बार उनको बताया कि ये साक्षात नारायण है और तू इनसे द्वेष करना छोड़ दे। लेकिन दुर्दैव मी दृश्यमेहा जन नानो रागः, जिसका दुर्भाग्य प्रबल होता है फिर अच्छी बातें उसके दिमाग में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए सामने तो हैं उनके सामने लेकिन वो नहीं देख पाए, शिशुपाल नहीं देख पाया। हम लोगों के सामने ठाकुर जी विराजमान रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, साक्षात भगवान विराजमान हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें ये अनुभूति हुई है कि हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं? इससे सिद्ध ये अपने को सबक लेना चाहिए, हम स्तर पर नहीं है, बहुत लो स्तर है हमारा, इसलिए हम उनको भगवत स्वरूप करके नहीं मान पा रहे हैं। वास्तव में साक्षात भगवान हैं लेकिन भगवान विराजमान हो करके भी हम कितना उनका एसोसिएशन ले पा रहे हैं, बस फटफट गए दर्शन खुले देखते भी नहीं हैं, खुल गया इतना मालूम चलता है, प्रणाम करे चल भैया आगे, प्रणाम करे दौड़ भैया आगे, क्या पहने हैं आज, कौन से वस्त्र हैं, कौन सा श्रृंगार है, कुछ भी मालूम नहीं है, तुम जाने तुम्हारा, तुम जैसे भी सजे हो भैया वहीं खड़े रहो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपने वहाँ खुशी रहो हम अपने यहाँ खुशी हैं। तो कहने का आशय है कि हम भगवान को जो है देखते भी हैं, देख करके भी जो है हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है हम लोगों का। इसलिए हम जैसा देखेंगे, जैसा भाव विचार लाएंगे, ठीक धीरे धीरे करके प्रवृत्ति भी हमारी वैसी बनती जाएंगी और क्रिया भी फिर हमारी वैसी ही होंगी। तो जो भगवान के धाम को जो भक्त जाते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के श्री विग्रहों का किनका वो चिंतन कर रहे हैं, कैसा चिंतन कर रहे हैं, ऐसा ही करके उनका फिर जो है अंतिम गति होती है उनकी। क्या नाम है श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, यद भाव भावित धियो मनुजास्त थैव संप्राप्य रूप महिमा सन यान भूषा सुक्तैर मेव निगम प्रतितैस्तुवंती गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी वहां वर्णन कर रहे हैं कि यद भाव भावित धिय, जिन्होंने अपने साधना काल में जैसी जैसी भावना को रखा, मान लीजिए हमने कृष्ण भक्ति की तो कृष्ण कैसे हैं
क्या वेशभूषा पहनते हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं, तो इस पे हम क्या करते हैं, अपना चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसे ही हमारा धीरे धीरे करके कृष्ण के प्रति फिर अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, और फिर प्राप्य वैसा ही हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मान लीजिए किसी का राम के प्रति अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो वो वैसा ही जो है उनका चिंतन मनन करता है, सुनता है, कार्य करता है। तो ठीक जैसा हमारा चिंतन मन है उसी के अनुसार हम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, तो यद मन संप्राप्य रूप, मतलब रूप को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम कृष्ण का चिंतन मनन कर रहे हैं तो हमें किसका चिंतन मनन होगा, कृष्ण का होगा, तो इसलिए हमें रूप कौन सा दिया जाएगा, कृष्ण जैसा ही रूप मिलेगा आपको। ऐ कभी हमें जो है और दूसरे जैसा रूप नहीं मिलेगा, कृष्ण का ही, जैसे कृष्ण गोप भेष में रहते हैं ऐसा ही हमें वहाँ गौलोक में जो है वो ही रूप प्राप्त होगा। संप्राप्य रूप महिमा, जैसे कृष्ण की रूप भगवान का जैसा मिल जाता है, भगवान की जैसी महिमा है, भक्तों की भी वैसी महिमा होती है। आसन बैठने का जो स्थान है भगवान के जैसा ही, यान ट्रेवलिंग करना भगवान उनको यान प्रदान कर देते हैं, जैसा खुद चलते हैं वैसा ही उनको भी दे दिया जाता है। और भूषा उनकी पहनाव कैसा है, जैसे भगवान का है ऐसे उनके भक्तों का। तो इसलिए रस के अनुसार, किस रस में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उसी रस के अनुसार हमें जो है ये प्राप्य ये सब प्राप्त हो जाएगा। जैसे पांच प्रकार के रस हैं हम सभी जानते हैं, पहले है शांत रस, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य और माधुर्य, चार हुए हैं, पांच चार है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ये पांच रस हुए। तो जो शांत रस वाले हैं वो जो है निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा तक जाते हैं, उनका वैसा जो है स्वरूप प्राप्त होता है शांत रस वाले। और दास्य वाले जो दास्य रूप में जो भगवान की सेवा करते हैं वो वैकुंठ लोक में प्राप्त होते हैं। ये सब भगवान के जो पार्षद हैं कहाँ से आए हैं, ये सब वैकुंठ से आए हैं, तो इसलिए वैकुंठ में कैसी वेशभूषा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो इनसे हम देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे ना, एक भगवान के पार्षद कैसे होते हैं, उनकी एक परफेक्ट, उसका यहाँ पर जो है श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। तो वैकुंठ लोक में जो जाते हैं उनको ऐसा शरीर प्राप्त होता है जैसे यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, और गौलोक में जो जाते हैं वो रस के अनुसार जो है उनको गौलोक का जैसा रस, मतलब वो रूप मिलता है, जो गोप भेष में जो भगवान की सेवा करता है उनको सखा भाव में, तो उनको सखा बना दिया जाता है, जो माता पिता तो उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, माता पिता की जो सेवा करते हैं उनके सेवक बन करके, और जो गोपी भाव में जो करते हैं तो उनको गोपियां बना दी जाती हैं। तो ये सारा का सारा वो क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कैसे प्राप्त कर लेते हैं ये बात विशेष बात, ऐसे ही नहीं प्राप्त है। सुक्तैरमेव निगमै प्रतितैस्तुवन्ति, जो वेदों में जो भगवान के स्वरूप की उनकी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं उन स्तुतियों का वो लोग क्या करते हैं गान करते हैं, अर्थात इन सारी जो है स्तुतियों का सार क्या है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अजामिल के सामने अभी तो विष्णुदूत प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ उनको छोड़ के जाएंगे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जब आएंगे तो फिर यमराज को, सॉरी विष्णुदूत अजामिल को फिर क्या करेंगे लेकर के जाएंगे, लेकिन कैसा रूप देंगे फिर उसको, अपने जैसा ही रूप दे देंगे ये वो जो है अपने जैसा ही रूप उनको क्या करेंगे ये प्रदान कर देंगे। जैसे यहाँ पर हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनात अनु सद्यः स्वरूपम जग्रहे भगवत पार्श्ववर्तिना।
जब जो है उन्होंने भगवत पार्षदों को देखा हरिद्वार में, आगे चल करके जब शरीर त्याग करेगा तो अपना शरीर को त्याग किया, और त्याग करके सद्य स्वरूपम जग्रहे, सद्य मतलब इमेडिएटली तुरंत, जैसे शरीर छूटा उनको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? भगवत पार्श्ववर्तिना, भगवान के जो पार्षद हैं ठीक वैसा ही उनको स्वरूप प्राप्त हो गया। तो यदि वास्तव में कैसे प्राप्त हुआ, तो यहां उसको रियलाइज हुआ जब उन्होंने विष्णु दूत यम दूतों की जो वार्ता है उसको सुना, तो उसको मालूम चला कि वास्तव में मैं कितने गलत रास्ते पर था। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, हरिद्वार में जाकर के फिर संपूर्ण रूप से अपनी सारी वृत्तियों को अन्य अन्य स्थानों से हटा करके भगवान में लगा करके उन्होंने भजन किया, और फिर जो है वो सीधे फिर भगवत धाम में चला गया। एक ही जीवन में भगवत धाम चला गया, उसको और अन्य अन्य शरीर लेने नहीं पड़े। तो यदि हम भी जो है इन वैदिक जो स्तुतियां हैं उनका सार है भगवत नाम, जैसे नाम से उसने क्या ना यमदूतों से बंधा, तो भगवत का जो समस्त जो है शास्त्रों का सार है कलयुग में भगवान का नाम। तो जो नाम जप कर रहा है ठीक से है, चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है जब प्रकट हुए थे, प्रकट होने से पहले, अभी प्रकट नहीं हुए हैं उसके पहले से ही नाम को प्रकट करा दिया था, करा दिया तक नहीं करा दिया था, अर्थात उस समय जो है ग्रहण लगा, और जिसके कारण सभी लोग किसका नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पहले से महामंत्र प्रकट करा दिया था उन्होंने। इसलिए सभी लोग जो है गंगा में स्नान कर रहे थे और महामंत्र का जप कर रहे थे, और जब प्रकट हुए तो अभी प्रकट हुए हैं तो फिर जो है सबसे कीर्तन चालू करवाया, पहले तो प्रकट करा के किया, अब जो है प्रकट हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं, फिर उन्होंने चालू किया। कैसे चालू किया? रो करके चालू किया है, रोना शुरू करते थे जब तक मंत्र ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोलेंगे, वो रोते ही रहेंगे। तो सब जो है इसी का मतलब 24 घंटे इसी का कीर्तन चलता रहता था। एक व्हाट्सअप में देख रहा था, एक बच्चा भी ठीक ऐसे ही, आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, एक छोटा सा बच्चा है कि नहीं, और वो ऐसे फिरता है, और जैसे ही कीर्तन करेंगे हंस जाएगा, और जैसे ही कीर्तन बंद हुआ इतना फपक फपक करके रोता है, इतना मैं तो आश्चर्य लगता है उस बच्चे को देखकर। तो महाप्रभु ने जो है बचपन से ही सभी लोगों से कीर्तन किया, और इसके बाद में जब जवानी हुए फिर उन्होंने घूम घूम करके सभी से कृष्ण कीर्तन चालू करवा दिया। तो ये नाम की जो महिमा है समरे, इस कलयुग में नाम जो है इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है, जैसे बोलते हैं ना क्या नाम है, गुणस्य मंगलम नामः यस्य बाचि प्रवर्तते भस्मी भवती सद्यस्तु महापातक कोटया। महापातय कोटया, कोटे मतलब कोटि कोटि, अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों पाप उसके क्या हो जाते हैं, सद्यः भस्मी भूतः। सद्य का मतलब इमेडिएटली तुरंत सब जो है खत्म हो जाते हैं। जैसे यही तो आश्चर्य हुआ था, उन्होंने नारायण का नाम लिया जिसका प्रभाव यह हुआ था कि जो 28 गोडान जो भरे पड़े थे, जिन्होंने जो है रिजल्ट भी लिख दिया था कि इसके लिए जो है एक अलग विशेष खतरनाक नरक बनाया जाएगा जिसमें डालना होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है टाल ठोक करके बोल दिया कि नहीं अब मेरे नरक में नहीं जाना होगा। किसके प्रभाव से? इस नाम के प्रभाव से। अब सोच सकते हैं कितना प्रभावशाली नाम है वास्तव में। और इसके बारे में बोलते हैं भाई, इसके लिए नियम भी नहीं है ना, क्या बोलते हैं, यत्र तत्र कुर्वन्ते विष्णु नाम अनुकीर्तन, आप जहां कहीं भी कर सकते हैं भगवान के नाम का कीर्तन, तो सर्वे पाप विनिर्मुक्ता ते अपि यान्ति सनातनम्। निश्चित रूप से
सारे पापों से मुक्त होकर के और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। चाहे घर में जप करो, चाहे मंदिर में जप करो, चाहे जंगल में जप करो, कहीं भी जप करो। और बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बोला कौन कौन से पाप खत्म होते हैं, तो वर्तमानम च यत तत पापम, अर्थात अभी प्रेजेंट में जो भी हमसे पाप हुए हैं वर्तमान में, वो सारे पाप, यत भूतम भूतकाल में जो सारे पाप किए थे वो, और यत भविष्यति है भविष्य, भविष्य में जो पाप होंगे, तत सर्व निर्दहति आसु, तत सर्व निर्दहति आसु, आसु का मतलब तुरंत, सभी में तुरंत लगाए, टाइम नहीं लगेगा। आसु गोविंदा अनल कीर्तनः, भगवान के नाम रूपी अग्नि के अंदर जैसे बड़े बड़े पाप रूपी सर्प क्या होते हैं, जैसे सर्प जब अग्नि देखता है तो समझ लेता है अब मेरा काल निश्चित है, तो इसलिए भगवान के नाम की जो है अनल, दावानल में जब कितने भी बड़े बड़े अजगर, कितने के भयानक सर्प क्यों ना हो पाप रूपी, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, भस्मीभूत, तुरंत जो है समाप्त हो जाते हैं। जब क्या नाम है, जिस समय रावण मंदोदरी को हरण करके लेके गया था, सॉरी सीता, मंदोदरी बता रही थी सीता जी को, सीता मंदोदरी तो उसकी पत्नी है, अच्छा उसका हरण करता तो कोई बात नहीं थी उसके हरण में कोई बात नहीं थी। तो जब सीता का हरण करके लेकर के आ गया रावण लंका में, तो मंदोदरी उनको समझा रही है कि देखो स्वामी, तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुम सीता को छोड़ दो, तुम राम के बारे में अभी ठीक से नहीं जानते हो, आप नहीं देख रहे हैं राम के बारे में, अरे राम तो छोड़ दो, उनका नाम भी कितना प्रभावशाली है, बंदरों ने पहाड़ों के ऊपर केवल राम नाम लिख करके जो है समुद्र में फेंका और वो तैर गए, एक पुल का रूप धारण कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो नाम बड़े बड़े पहाड़ों को तैरा सकता है, तो फिर भगवान के बारे में, राम के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए तुम उनसे शत्रुता मोल मत लो, उनसे जो है आप संधि करो, छोड़ दो इस बात को। लेकिन जो है रावण ने मंदोदरी को आंख दिखाई, ए मंदोदरी तू क्या बोलती है, क्या रावण राम जो है क्या नाम है पहाड़ों को तैरा सकता है, तो क्या मैं नहीं तैरा सकता, मैं भी अवश्य तैरा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्वामी आप पहाड़ों को तो जाने दो, लो एक मैं पत्थर देती हूँ, करताल देती हूँ, आप इसको तैरा दो। रावण ने कहा अच्छा मेरी परीक्षा लेना चाहती है, बोला हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लेकर के दिया और वहीं एक पोट था, कुंड था, और रावण ने क्या किया उस पत्थर को लेकर के उसमें फेंक दिया, और हुआ ये जो है उस पर तैर गया, तैर गया तो जो है मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो उन्होंने कहा स्वामी ये शक्ति तो आपके अंदर नहीं है, ये मैं जानती हूँ आपको अच्छी तरीका से, सत्य बताओ आपने कैसे इसको तैरा या क्या जादू टोना किया इसके ऊपर। तब जो है रावण ने कहा मंदोदरी तू किसी को बताएगी तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी मैं भला क्यों घर की बात को बाहर कहूंगी किसी को, तो देख मैंने इस पत्थर को जो है तैराने के लिए भगवान राम के नाम की सौगंध दी थी, है हे पत्थर तुझे सौगंध है भगवान राम के नाम की, यह तू नहीं तैरा, तो उसके प्रभाव से तैर गया, लेकिन तू कहना नहीं किसी से तो आप सोच सकते हैं कि ये भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है, कितना प्रभावशाली है, जिसके बारे में कुछ महात्मा लोगों से एक बार मैंने सुना था कि जो है एक किसी भक्त का भाई था जो कभी भी नाम नहीं लेता था, एक दिन उन्होंने गुरुजी से अपने से कहा कि गुरुदेव कुछ कृपा करो ना, हमारा भाई है वो भी थोड़ी भगवान का नाम ले, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ लाएंगे तो मैं समझाऊंगा, बोला आता नहीं है, बोला जैसे भी लाओ, बोला आज मंदिर में फीस्ट है, कल तो हो गया आज है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप लेकर के आओ, कहो उनको चलो मंदिर चलते हैं खा पी के आ जाएंगे, क्या बात है। तो वो लेकर के आ गया, तो उसने कहा कि देखो जब आए हैं तो चलो गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं, बोला मैं कुछ सुनूंगा नहीं, कुछ सत्संग नहीं सुनूंगा, बोला नहीं कोई बात नहीं है मिल के आ जाते हैं। और जैसे ही गया तो उन्होंने कहा गुरु गुरुदेव ये ही मेरा भाई है, तब उन्होंने कहा कि बोलो हरे कृष्णा,
तो उन्होंने जो अपने भाई की तरफ आंख करी बोला तू यही लाया, मैंने मना किया था कि तू कभी नहीं लाना, लेकिन फिर लेकर के आया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि बोलो हरे कृष्णा, तो वो नहीं बोला। बोला बोलो हरे कृष्णा, बोला नहीं बोलूंगा हरे। बोला क्या नहीं बोलेगा, बोला हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। तब जो है उनसे कहा ये नाम ध्यान रखना, जब यमदूत तुझे लेकर के जाएंगे है उस समय तुम उनसे पूछना, उनके मालिक से यमराज के पास में है, जब बोलेगा कि तेरे सारे पाप है, तूने कभी नाम नहीं है, तेरी सदगति तो नहीं हो सकती, लेकिन जब ये नाम आएगा कि कभी नहीं बोलूँगा हरे कृष्णा, तो थोड़ा सदमे में आ जाएगा। और उसी समय तुम पूछना उनसे इस नाम का कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, वो बताओ मेरे। तो ये हुआ मर करके जब यमदूत यमराज के जो है उसमें गया, यमराज ने सारी फाइल निकाली, जब देखा तो देखा कि सारा उसका पाप कभी भजन नहीं किया था, लेकिन एक जगह लिखा था नहीं बोलूंगा क्या हरे कृष्णा। नारद जी वो क्या ना, यमराज जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तो समझ गया गुरु जी की बात को, अच्छा यही कहा था उन्होंने। तब उनसे कहा कि आप जो है यमराज जी ये बताइए, क्योंकि यमराज ने पूछा तुम जो है पहले पाप भुगतना चाहते हो या पुण्य भुगतना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मेरा पुण्य क्या है। बोला एक बार हरे कृष्ण बोला है, ठीक है इसका कीमत क्या है। तो कीमत क्या है, तो उसके लिए यमराज ने सारे शास्त्रों को खोज डाला, लेकिन कितनी कीमत है एक नाम के, आश्चर्यचकित हो गए। तब जो है यमराज ने कहा चलो भाई इंद्र के पास में चलते हैं। इंद्र के पास में लेकर के गए, इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया। पूछा तो इंद्र ने भी सारा जो है अपना शास्त्र जो है जितने भी बही खाते थे देख डाले, लेकिन एक भगवान के नाम का कितना फल देना चाहिए, इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया। तो उसके बाद में उस जीवात्मा को लेकर के कहाँ पहुँचे, ब्रह्मा के पास में पहुँचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया बड़ी समस्या में है, इसको थोड़ा सॉल्व करो ना। बोला क्या हुआ, बोला एक नाम का कितना फल होना चाहिए। तो ब्रह्मा के तो चार मुख हैं, चार चौगुनी बुद्धि से सोचा, लेकिन ब्रह्मा भी जो है विधाता हो करके सारा विधि विधान बनाने वाला ब्रह्मा, वो भी जो है फेल मार गया कि एक बार जो भगवान का नाम लेता है उसको कितना फल देना चाहिए। तब उन्होंने कहा भैया जिसका नाम है, अच्छा ऐसा करो शिवजी तो हमेशा भगवान के नाम में रहते हैं, चलो उनके पास में चलते हैं। तो कैलाश पर पहुँचे, तो कैलाश पर पहुँच करके जो है शिवजी से पूछा, तो शिवजी भी आश्चर्यचकित हो गए, भैया भगवान का नाम तो मैं लेता हूँ लेकिन उसका फल कितना हो सकता है ये मैं नहीं बता सकता। तब क्या करना चाहिए, भाई चलो जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। तो सब जो है विष्णु के पास में पहुंच गए, सब अपनी अपनी गाथा कही, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, भगवान ने कहा इस जीवात्मा को है मेरी गोदी में बिठा दो। और लक्ष्मी तो नृत्य करने लग गई, भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा प्रभु ये तो बहुत पापी है, हम एक प्रश्न कर लेकर के आए हैं। बोला पूछो क्या बात है। बोला प्रभु जो आपका एक नाम ले लेता है उसको क्या फल देना चाहिए। तब जो है भगवान नारायण ने कहा कि यही तो है। बोला क्या फल है। बोला यही है ना बस। अरे प्रभु क्या हम समझे नहीं। अच्छा यही है। अरे भाई जो जो है नरक में जाने वाला था अब मेरे पास में बैकुंठ में आ गया, वो भी मेरी गोद में आ गया। और यहाँ तो जो है पहले से लिखा हुआ है कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अरे भाई जो एक बार यहाँ आ जाता है फिर वो संसार में वापस नहीं जाता, ये तो भाई अब मेरी गोद में आ गया है। अब तुम लोग जाओ, नाश्ता पानी करना है तो अभी होने वाला है और आप लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कहने का आशय है कि हमें जो है प्रयास करना चाहिए अच्छी तरीका से भगवान का नाम लेने के लिए। और दूसरा ये है कि भगवत बहुत सारी बातें तो हम जो है इसको रोकते हैं। टुडे प्रसादम बलराम ओके काइंडली प्लीज। तो इसलिए हम यही विराम देते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भैया, ठीक से यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, अपना अच्छा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का उद्देश्य यही है कि हम भगवत धाम को प्राप्त करें। तो इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए, बहुत सतर्क होना चाहिए और निश्चित रूप से हम भगवान जो है अपने कृष्ण भावना मृत आंदोलन में ठीक से भगवान का नाम ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसी जीवन में भगवत धाम पहुंच जाएंगे। निदाई गौर प्रेमनंदे हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आप प्राण की तिल प्रभुपाद की और प्रेमनंदे।